काव्या की आंख खुली तो शाम होने लगी थी। उसे थोड़ी भूख लग रही थी और प्यास तो उसे बहुत जोर से लगी थी। सोकर उठने के बाद उसका गला हमेशा सूखा हुआ ही रहता था, लेकिन अब वह घर में एक बेकार फर्नीचर की तरह पड़ी रहती थी। बच्चों के पास तो ना फुर्सत थी और ना ही काव्या को अब जीने की इच्छा होती थी, लेकिन फिर भी सांसों की डोर चली जा रही थी तो वह यह कष्ट भरा जीवन भुगतने के लिए मजबूर थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि काश थोड़ी देर के लिए ही सही उसके पैरों में जान आ जाए तो वह कहीं जाकर अपनी जान ही दे दे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि वह अपनी मर्जी से खुद की जान भी नहीं ले सकती थी। बस भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अपनी मृत्यु के दिन का इंतजार कर रही थी। यह स्थिति कितनी भयावह होती है। कहाँ तो लोग अपनी मौत से डरते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है कि वह मौत तो चाहते हैं लेकिन मौत भी उन्हें नसीब नहीं होती है। घर में इतनी शांति छाई हुई थी कि काव्या को लग रहा था कि बच्चे आज घर पर नहीं हैं। जब बच्चे घर पर नहीं होते थे तो उसका मन भी ज़्यादा घबराने लगता था। वह मरने से नहीं डरती थी, लेकिन अब उसे जीवन से ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जिंदा इंसानों को भूख प्यास लगती है, नींद आती है, उन्हें अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती है। काव्या अनमने ढंग से बिस्तर पर लेटी हुई थी। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी और घर में अंधेरा अपने पैर पसारता जा रहा था। उसका कमरा अंधकार में डूबता जा रहा था। उसे शुरुआत से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसकी आंखें खुली थी और वह अंधेरे में इधर उधर बस देख रही थी। हल्की सी भी आवाज़ होती थी तो उसे बहुत डर लगने लगता था। अंधेरे कमरे में उसका जी घबराने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने पास पड़ी हुई डोरी को हिलाकर घंटी बजाई, लेकिन घर में कोई था ही नहीं तो उस घंटी की आवाज़ कौन सुनता। घबराहट में उसे बहुत जोर से पसीना आने लगा था। धीरे धीरे उसका गला सूखता जा रहा था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन कोई उसके पास आ ही नहीं रहा था तो वह पानी किससे मांगती। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी पलकों से आंसू भी बहते जा रहे थे। पति की मृत्यु के बाद तो जैसे उसे कोई पूछने वाला ही नहीं था। जब तक उसके पति जीवित थे तब तक वो उसकी देखभाल करते थे, उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। आज से 4 साल पहले उसे लकवा मार गया था। तब उनके पति का रिटायरमेंट हो चुका था तो वह दिन भर पत्नी की देखभाल करते रहते थे। बेटे बहू के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी देखभाल कर पाए। फिर साल भर के अंदर ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। तब से लेकर आज तक वह तिल तिल मर कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे अब उसकी जुबान ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। अब वह किसी को आवाज़ नहीं लगा पाती थी तो बेटे ने एक घंटी बांध कर उसकी रस्सी माँ के हाथों के पास रख दी थी, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तो माँ घंटी बजाकर उसे बुला लिया करे। लेकिन वह भी अम्मा के पीछे दौड़ते भागते इतना थक गया था कि माँ को नज़रअंदाज करने लगा था। बिस्तर पर पड़ी हुई वह बेजान बुढ़िया अब सबके लिए एक बोझ ही तो थी, जिसके खाने पीने और साफ सफाई जैसे पर्सनल काम ही सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। अब कहना आसान होता है कि कोई बिस्तर पर पड़ा है तो उसकी सेवा हो ही जाती है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कार्य बहुत ही थकाने वाला होता है और ऐसे समय में अच्छे अच्छे लोग भी अपना रंग बदल लेते हैं। यहाँ पर भी काव्या के बेटे बहू अपनी दुनिया में ही मगन रहते थे, अपने बच्चों की परवरिश करते थे, घूमते फिरते रहते थे, अपने काम में लगे रहते थे और उस पर अब कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था। काव्या को अब बहुत जोर से प्यास लग गई थी, उसका गला सूखता ही जा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब तो मुझे उठा लो, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब कितना इस पाप का भुगतान करना होगा। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर भी उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बेटे बहू शाम को कहीं चले गए थे, कहाँ या तो कोई उन्हें बताकर जाता ही नहीं था। अब जब तक वह लोग वापस नहीं आ जाते थे तब तक वह ऐसे ही अंधेरे में बैठी रहने वाली थी, क्योंकि वह लोग लाइट वगैरह जलाकर भी नहीं गए थे। बाहर जाने से पहले उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में बूढ़ी माँ है जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसे कुछ ज़रूरत होगी तो कौन देखेगा। खैर, देर रात गए, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, हॉल की लाइट जली और बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज की मूवी बहुत अच्छी थी, डिनर में भी मज़ा आ गया। सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इधर काव्या रोती बिलकती सारी बातें सुन रही थी। वह धीरे धीरे घंटी बजाने लगी, लेकिन किसी ने भी उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद थके हुए बच्चे गहरी नींद में सो गए थे। किसी ने उस बूढ़ी औरत के कमरे में झांकने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। काव्या सोच में पड़ गई कि क्या मेरा बेटा भी यही चाहता है कि मैं भूखी प्यासी अपने प्राण त्याग दूं ताकि इन लोगों को मुझसे छुटकारा मिल जाए। यह सब याद आते ही वह अतीत के यादों में डूब गई। काव्या की सास भी एक समय पर ऐसे ही इसी कमरे में पड़ी हुई रहती थी, तब काव्या भी ऐसे ही उन्हें बोझ समझने लगी थी। काव्या की सास के कमर की हड्डी में चोट लग गई थी। अब बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, ऐसे में अगर बच्चे लायक होते हैं तो सेवा करके बुजुर्गों को ठीक कर देते हैं, वरना इन्हीं सब में तो उनके प्राण जाते हैं। काव्या अपनी सास को समय से खाना पानी नहीं देती थी, उनके पास आकर बैठती भी नहीं थी।
बस किसी तरह लोगों को दिखाने के लिए अच्छी बहू होने का फर्ज निभाने का दिखावा करती रहती थी। पीठ पीछे जब घर पर कोई नहीं होता था तो उसकी सास उसे बुलाती रह जाती थी और वह टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर अपना सीरियल देखती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वह कोई मूवी देख रही थी, उसकी सास उसे बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वह तो जैसे उस दिन उन्हें नज़रअंदाज करने का मन बनाकर बैठी थी। जब उसकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगी तब झुंझलाते हुए वह टीवी का रिमोट सोफे पर पटक कर सास के कमरे में पहुंची तो उसकी सास गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, बहू मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना। काव्या ने देखा कि सास के पास रखा हुआ पानी का जग खाली हो चुका था। वह गुस्से में रसोई में गई, उसने एक गिलास पानी भरा और पानी लाकर उसने गिलास उठाकर अनमने ढंग से सास के मुँह में पानी फेंक सा दिया, जिससे उनका तकिया, नाइटी, चादर और चेहरा सब गीले हो गए। अपमानित होकर भी उनकी प्यास ठीक से नहीं बुझी थी। वो रोते हुए कहने लगी, बहू यह कोई पानी पिलाने का तरीका होता है क्या? यह मत भूलो कि बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा। अगर तुम्हारी दशा भी मेरे जैसी ही हो जाएगी और तुम्हें कोई पानी नहीं देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? सास की बात सुनकर काव्या गुस्से से तमतमा उठी और कहने लगी, चुप कर बुढ़िया, खुद तो बिस्तर पर पड़ी हुई है और मुझे श्राप दे रही है। यह मत भूल कि तुझे मैं ही खाना पानी देती हूँ। इतनी सेवा करने का यही फल दे रही है तू मुझे? उसकी सास कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये कैसी सेवा है बहू, जहाँ मैं कितने घंटे से पानी के लिए तड़प रही हूँ। तुमने मुझे जितना भी तड़पाया है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहते कहते वह हाँफने लगी, उन्हें हिचकियाँ आने लगी और थोड़ी ही देर में उनका शरीर शांत हो गया। यह देखकर काव्या दो पलों तक खामोश रह गई, फिर उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने तुरंत ही अपने पति को कॉल लगाया और रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, अम्मा जी चली गई, अम्मा जी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका पति भी स्तब्ध रह गया और तुरंत ही ऑफिस से घर आया। रोते बिलखते माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन मन ही मन काव्या को बड़ा सुकून मिल रहा था कि अब वह खुलकर अपना जीवन जी पाएगी। सास के कपड़े और सामान की सफाई वह बहुत खुशी मन से कर रही थी। उसके जीवन में एक नया उत्साह भर आया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी की जान चली गई है। खैर, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आज जब वह खुद बिस्तर पर लाचार सी पड़ी हुई थी और बेटे बहू उसकी उपेक्षा कर रहे थे तो उसे रह रहकर अपनी सास की याद आ रही थी और वह सोच रही थी कि मेरी सास को भी शायद ऐसे ही तकलीफ होती होगी। मैं तो उन्हें ठीक से पानी तक नहीं पिला पाई थी उनके अंतिम समय में। प्यास से काव्या का गला सूखता जा रहा था। यही सब सोचते हुए काव्या पछतावा करते हुए रो पड़ी, लेकिन इतनी जल्दी उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं थी क्योंकि उसे तो अभी अपने कर्मों का और फल भोगना बाकी था। सास को उसने बहुत सताया था और अब उसे लगता था कि उसे सास की हाय ही लगी है, तभी तो उसे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। वरना बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक खुद के पैरों पर चलते फिरते रहते हैं, अपना सारा पर्सनल काम भी खुद किया करते हैं और एक दिन अचानक से ही वह दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि अंतिम दिनों में वह बहुत ही कष्ट झेल कर इस दुनिया से जाते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े अब काव्या को कोई काम तो था नहीं, तो बस दिन रात उसके दिमाग में यही सब बातें घूमती रहती थी और वह दिन रात पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी। वह सोचती थी कि काश समय रहते उसने अच्छे कर्म किए होते तो शायद आज उसे यह दिन ना देखने पड़ते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइव टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।